सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बक्सा ट्वेल्थ के अंतर्गत कविता पढ़ रहे थे संतवाणी के अंतर्गत, और हम सप्रश्न व्याख्या कर रहे थे, और उसी सप्रश्न व्याख्या के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में 3 सप्रश्न व्याख्याएं पढ़ी थी, और अब उसके पश्चात हम आगे वाले जो भी सप्रश्न व्याख्या है हम वो पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपके सबसे पहला आपके ये बताया जा रहा है कि ज्यादातर पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। सबसे पहला जो है इसका प्रसंग जब देखते हैं हम तो जाति से ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया है। जाति से किसको बताया गया है, ज्ञान को यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया है। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। हमें साधु की कभी भी मनुष्यों को जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति की तुलना में वहां पर श्रेष्ठ चीज क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान। पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि हमारे जीवन में काम आने वाला ज्ञान ही है ना कि जाति है। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। जो ज्ञान जो है बारिश सौंदर्य का जो प्रतीक है उसको हमें महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि जो तलवार है जो जीवन में काम आने वाली है इसका महत्व है, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान, जो बाहरी सौंदर्य का जो प्रतीक जो है जो दिखावा है हमें दिखावा को कभी महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि किसको देना चाहिए, ज्ञान को अर्थात तलवार को हमें देना चाहिए। तो यहाँ पर साधु की जाति यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो किसका प्रतीक है, बाहरी दिखावे का प्रतीक है, उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान यहाँ पर किसका प्रतीक है, तलवार का प्रतीक है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैं बाहरी सौंदर्य को दिखावे को ध्यान में नहीं रखना करेंगे, बल्कि ज्ञान को महत्व देना चाहिए। तो ये बात हम बताएगी है कि हमें बाहरी वेशभूषा पहनावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान चेतना के महत्व को यहाँ बताया गया है। इसको ज्ञान चेतना के महत्व को, ज्ञान चेतना का महत्व बताया गया है, न कि बाहरी सौंदर्य व दिखावटी पर को यहाँ जरूरी बताया गया। जब अगले दोहे की जब हम बात करें कि इसके पश्चात संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस बरसते सो भी कंचन होए। तो यहाँ पर दूसरा है सत्संग का महत्व बताया गया है। सत्संगति से मतलब है मनुष्य जैसी संगत में रहता है उसके अनुसार ही वह क्या करता है, आचरण करता है। अगर वह अच्छी संगत में रहता है तो अच्छा आचरण करेगा, अगर वह बुरी संगत में रहेगा तो बुरा आचरण करेगा। सत्संगत यानी अच्छी संगत का उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा और बुरी संगत का भी उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ हम देखते हैं संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। हमें साधु जनों की, संत जनों की, विद्वानों की हमें क्या करनी चाहिए, संगत करनी चाहिए, उसी के सानिध्य में हमें रहना चाहिए, क्योंकि वह सत्संगत जो होती है कभी भी निष्फल नहीं होती है। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, वह कभी भी निष्फल नहीं होती है। लोहा पारस बरसते सो भी कंचन होए, लोहा जो होता है वह पारस धातु के संपर्क में जब आता है, परस का मतलब क्या होता है, स्पर्श, परस यानी स्पर्श, और कंचन का मतलब होता है सोना। अब सोना का मतलब नहीं देना यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखना, सोना का मतलब यहाँ पर गोल्ड है, सोना। तो लोहा जो होता है पारस धातु के संपर्क में आने पर वो भी क्या बन जाता है, कंचन अर्थात सोना बन जाता है। तो किसका प्रभाव है, सत्संगत का प्रभाव है। सत्संगत से गुणहीन वस्तु भी गुणवान बन जाती है, गुणहीन वस्तु भी क्या बन जाती है, गुणवान बन जाती है। इस बात को मैं ध्यान रखूंगा। जब उदाहरण के तौर पर जब बात करें, ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अभिलाषा आकांक्षा है, साथ में जिन रसिया संसार
ताकि और संतोष में, दोष का मतलब है संतोष, दोष यानी संतोष, जिसको हम कहते हैं संतुष्टि, दोष यानी संतोष, जिसको हम कहते हैं संतुष्टि। मारी आशा साधने दिन दशे संसार, ये आशा जो रूपी सर्पणी जो है, अब आशा साधने इस दोनों में जब अलंकार की बात करें तो उनको बदलता आशा रूपी सर्पणी, अब यहां पर लिखे आशा रूपी सर्पणी सर्पणी है, यानी इच्छा और अभिलाषा रूपी जो आकांक्षा मनुष्य का जो भाव है, जिसने पूरे संसार को डस लिया है, संसार को डसने का मतलब है संपूर्ण संसार को क्या कर लिया है, प्रभावित कर लिया है, ताकि असंतोष है, ये गुरु मंत्र विचार, और गुरु ने एक ही मंत्र दिया है इस आशा रूपी सर्पणी से बचने के लिए कि मनुष्य के मन में संतुष्टि का भाव होना चाहिए। संतोषम परम सुखम, ऐसा आपने सुना भी होगा, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, तो यहाँ पर आशा रूपी सर्पणी को हमें नष्ट करने के लिए, आशा रूपी सर्पणी को हमें हटाने के लिए, उससे दूर रहने के लिए मनुष्य के मन में संतोष का भाव, संतुष्टि का भाव होना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। और यही गुरु मंत्र विचार, और यही गुरु ने क्या दिया, मंत्र दिया है जो हमें भी ध्यान रखना जरूरी है, ये बात हम बताए नहीं। नेक्स्ट अगला संतोष पूर्वक रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, काका का को धन हरे, कोयल का को देव, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों पर रे, काका का को धन हरे, हरे का मतलब क्या होते हैं, हरना चूरण, कोयल काम को देव, देव का मतलब होता है देना, देना मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों पर दे। कौवा जो होता है वह न तो किसी का धन हरता है, क्या कौवा कभी किसी के धन को चुराता है, नहीं चुराता, कोयल काम को देव, कौवा जो है ना तो किसी का धन चुराता है, और कोयल काम को देव, और ना कोयल किसी को धन संपत्ति देती है, लेकिन मीठा शब्द सुनाएंगे जब अपनों पर दे, लेकिन दोनों में अंतर है, कोयल अपनी मीठी वाणी के माध्यम से संसार के लोगों को अपना बना लेती है, कौवा न तो किसी का धन हरता है और कोयल न किसी को धन देती है, उसके बावजूद भी कोयल अपनी मीठी वाणी के माध्यम से संसार के लोगों को अपना बना लेती है, और कौवा जो होता है अपनी कर्कश वाणी के माध्यम से लोगों से दूर रह जाता है। तो यहाँ पर मधुर वाणी के महत्व को बताया, मधुर वाणी के महत्व को बताया है कि मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी के माध्यम से संसार के लोगों में हम अपनत्व का भाव पैदा कर सकते हैं, प्रेम का भाव पैदा कर सकते हैं, और शिष्टाचार का भाव पैदा कर सकते हैं। तो सब कुछ निर्भर जो है वो किस पर है, वाणी पर निर्भर है, मनुष्य अपनी मीठी वाणी के माध्यम से। इस प्रकार के और दोहा जब बात करें तो बहुत सारे दोहे वाणी के और पढ़ते हैं, ऐसी वाणी बोली है मन का आपा होए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। तो एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण जो वाणी के माध्यम से दोहा है, ऐसी वाणी बोले, मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए,
मन का आपा खोए, जिससे मनुष्य के मन का आपा जो है अहम की भावना जो अपने आप समाप्त हो जाती है। औरन को शीतल करे, जो दूसरों को भी शीतल करे और आप वो शीतल होए, और उससे अपने आप हम भी क्या हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। तो मतलब आज की बात नहीं, अगर प्राचीन काल की बात करें तो वाणी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। मनुष्य की जैसी वाणी होती है उसी के अनुसार उसका आचरण भी हमें दृष्टिगोचर होता है, अर्थात दिखाई देता है। तो मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण रखने से ही मनुष्य अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकता है, नहीं तो वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। और वाणी भी कैसी, ऐसा नहीं कैसी भी वाणी, वाणी तो मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब बात करते हैं विशेष की। अब नेक्स्ट बात करेंगे विशेष की। विशेष जो हमने पहले पढ़ा था वही इसमें भी विशेष होगा। भाषा वही है आपकी सदुपरी भाषा, छंद भी वही है आपकी दोहा छंद, और शैली भी वही है उपदेशात्मक। ठीक है, तो कबीरदास की इन दोहों में भी बात वो की वो है, जो बात पहले बताई गई थी दूसरी बात यहां पर बताई गई नहीं। अब अगर हम सब दोहों की बात करें तो कबीरदास ने अपने सब दोहों में क्या क्या बताया, तो हम सबसे पहले दोहों की जब बात करें तो सबसे पहले दोहे में कबीर ने अपने दोहे में आदर्श त्याग के महत्व को बताया है। किसके महत्व को बताया है, आदर्श त्याग के महत्व। अगर मैं इस बात को अलग तरीके से मेंशन करूं, अगर मैं इस बात को अगर यहाँ पर मेंशन करता हूं, तो पहली बात आदर्श त्याग के महत्व को बताया है। आदर्श त्याग का महत्व, ये मैंने भी अलग ध्यान रखना। ठीक है, जब दूसरे दोहे की बात करें तो दूसरे दोहे में कबीरदास ने गुणों के महत्व को बताया, गुणों का महत्व या सदगुणों को अपनाने की प्रेरणा दी। जब तीसरे दोहे की जब बात करें तो तीसरे दोहे मनुष्य को अहंकार त्यागने की बात की है, अहंकार को त्यागने की बात की है। जब चौथे दोहे की बात करें तो जाति से ज्ञान श्रेष्ठ बताया है, जाति की तुलना में ज्ञान को क्या बताया है, श्रेष्ठ बताया है। और पांचवें दोहे की बात करें, ये पांचवा दोहे यहाँ पर सत्संग जी का है, सत्संग जी का महत्व। छठा जो यहाँ पर है संतोष स्वभाव पाना चाहिए मनुष्य, और सातवें की बात करें वाणी का महत्व। ठीक है, तो ये सब बातें यहां पर बताई गई हैं कबीरदास के दोहों के, प्रत्येक दोहे की मैंने अलग अलग बातें यहां बताई गई हैं। तो कबीरदास के दोहों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, कबीरदास के दोहों से हमें क्या संदेश मिलता है, अगर ऐसा भी प्रश्न अगर हमें पूछ लिया जाता है तो हमें क्या करना है, सभी दोहों की अलग अलग बात क्या करना है, ऐड करना है। कबीरदास अपने दोहों में क्या बताया, क्या उद्देश्य बताए हैं या क्या संदेश बताए, कबीरदास अपने दोहों में आदर्श त्याग के महत्व को बताए, गुणों के महत्व व सद्गुणों के महत्व के बारे में बताया गया, गुणों को अपनाने व अवगुणों को त्यागने की प्रेरणा दी है। कबीरदास अपने काव्य में अहंकार को त्यागने की प्रेरणा दी है, जाति से ज्ञान को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है, सत्संगति के महत्व को बताया, मनुष्य जैसे संगत में रहता है वैसा वह आचरण करता है,
मनुष्य को संतुष्ट स्वभाव को अपनाने की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट वाणी के महत्व को बताया गया, मनुष्य को मधुर वाणी होनी चाहिए। इस प्रकार कबीरदास ने अपने दोहों में विभिन्न प्रकार के उपदेश संदेश दिए हैं। देखो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न जो बनता है वो सर्वसम व्याख्या का बनता है। व्याख्या के अलावा भी छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जैसे इस पंक्ति की जब बात करें, इस पंक्ति की बात करें तो इस पंक्ति का जब 22 प्रश्न करना चाहते हैं, व्याख्या करनी चाहते हैं, हम कर सकते हैं। तो अगर ये पूछे कि मोल को तलवार का पड़ा रहे तो मैं पंक्ति के माध्यम से तभी क्या कहना चाहता है, पंक्ति के माध्यम से तभी ये कहना चाहता है कि मनुष्य को बाहरी सौंदर्य की तुलना में आंतरिक ज्ञान को महत्व देना चाहिए। अगली लोहा पारस प्रस्थ सौम्य गंजन हुए तो लोहा पारस प्रस्थ पंक्ति के माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं, सुदान के माध्यम से कभी क्या स्पष्ट करना चाहता है कि लोहा अगर पारस धातु के संपर्क में आता है तो वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य अगर सत्संगत में रहता है तो उसका भला होता है, वो कभी भी निष्फल नहीं होती है। आशा रूपी सरपणी किसको कहा गया है, आशा रूपी सरपणी किसको कहा गया और उसका संसार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आशा रूपी सरपणी किसको कहा गया है कि मनुष्य के मन में जो आकांक्षा का भाव है, लोभ का भाव है, तृष्णा का भाव है, ये सब किसमें आएंगे, आशा रूपी सरपणी में आएंगे और इसी ने पूरे संसार को डस लिया है। तो फिर इसकी औषधि क्या है, इसके उपचार क्या है, इसको इससे बचने का तरीका क्या है। तो इससे बचने का तरीका एक ही है जो गुरु मंत्र दिया है, वो गुरु मंत्र 5 है। मनुष्य को संतोष स्वभाव का बनना चाहिए। संतोष स्वभाव मतलब आप मनुष्य के मन में संतुष्टि की भावना होनी चाहिए। संतुष्टि की भावना हो जाएगी तो आशा रूपी सरपणी अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट स्पंद के माध्यम से मनुष्य को कैसी वाणी बोलने के बारे में बताया गया, मनुष्य को मधुर वाणी के महत्व के बारे में बताया गया। मनुष्य को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मधुर वाणी के माध्यम से संसार के लोगों में अपनत्व की भावना क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है। इस बात को कभी स्पष्ट कैसे किया, कौआ और कोयल के माध्यम से, कि कोयल अपने मधुर वाणी के माध्यम से लोगों में प्रेम का भाव बढ़ाती है और वहीं कौवे की जो कर्कश वाणी होती है तो लोगों में अपना आप क्या फैल जाता है, अलगाव फैल जाता है। इस प्रकार कबीर ने अपने दोहों में विभिन्न प्रकार की भाषा यानी संदूपड़ी भाषा का प्रयोग करके, संदूपड़ी मतलब ऐसी भाषा जो सभी को आसानी से समझ में आ सके, ऐसी भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है और उपदेशात्मक निधि पर शैली का प्रयोग किया है, दोहा छंद का प्रयोग किया है और अलंकार के तौर पर देखें तो अनुप्रास अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, उदाहरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इन सब अलंकारों को उन्होंने प्रयोग किया है। धन्यवाद।